अविनाश पांडे जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, गिरजा व्यास जी, अर्जुन बबनिया जी, महेंद्र मालविया जी, दिनेश खुरनिया जी, चंदमाल जैन जी, हमारे कैंडिडेट्स रघुवीर मीना जी, ताराचंद भगोरा जी, स्टेज पे हमारे सब सीनियर नेता, एमएलएज, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 5 सालों से नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और 15-20 सबसे अमीर लोगों की वो सरकार चला रहे हैं। आए थे, आपसे वायदा किया था 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा, किसान को सही दाम दूंगा। 5 साल हो गए, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। उल्टा 15 लोगों का उन्होंने 5,55,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। और यहां आप जानते हैं, जो पहले आपको मिलता था, मनरेगा मिलता था, वो भी बीजेपी के लोगों ने बंद किया। तो पिछले 5 सालों उन्होंने आपके साथ, हिंदुस्तान के गरीब लोगों के साथ, आदिवासियों के साथ, कमजोर लोगों के साथ अन्याय किया है। और अब कांग्रेस पार्टी आपको न्याय देना चाहती है। जो 5 साल उन्होंने आपका नुकसान किया, जो 5 साल उन्होंने आपका नुकसान किया, उस बात को मैं स्टेज से पहचानता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं इस बात को मानता हूं कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान के आदिवासियों का नरेंद्र मोदी ने किया है। और अगर 5 साल आपके साथ अन्याय हुआ है, तो अगले 5 साल आपके साथ न्याय होना पड़ेगा। जो आपके जेब में से छीना गया, उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी और मैं आपके जेब में डालेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, कैसे करा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख की बात की, किसी को नहीं दिया। यहां कोई है जिसको 15 लाख रुपए नरेंद्र मोदी ने दिया हो? कोई है एक आदमी औरत जिसको नरेंद्र मोदी ने दिया? नहीं। चौकीदार चोर है। अब देखिए, 5 महीने पहले, और ये बात हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं आपको बहुत अच्छी लगेगी, 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को बुलाया, सीनियर नेताओं को बुलाया और उनसे कहा, देखिए मैं एक काम करना चाहता हूं। मुझसे पूछते क्या काम करना चाहते हो? मैंने कहा कि देखिए, हिंदुस्तान में करोड़ों गरीब लोग हैं, वो दिन भर काम करते हैं और देश की जो सरकार है वो उनकी मदद नहीं कर रही है। मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख का झूठ बोला, मैं हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान के आदिवासियों को मैसेज देना चाहता हूं कि 2019 के बाद जो सरकार बनेगी वो आपकी सरकार होगी। मैंने उनसे पूछा, देखिए एक बात बताइए, पता कीजिए, नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का झूठ बोला, मैं आपसे नंबर चाहता हूं, लंबा भाषण नहीं, किताब नहीं, एक नंबर। उन्होंने मुझसे पूछा कौन सा नंबर। मैंने उनसे बोला मुझे वो नंबर चाहिए जितना पैसा मैं हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डाल पाऊं हर महीने। जाइए,
काम कीजिए, 3-4 महीने बाद आइए मेरे पास, मुझे एक नंबर दे दीजिए, मैं जनता को वो नंबर बताऊंगा, और वही नंबर उतना पैसा उनके बैंक अकाउंट में हर साल डालूंगा। कुछ ही दिन पहले मेरे पास आए, मुझे कहते हैं नंबर मिल गया। मैंने कहा बताइए क्या है? 72,000। मैंने उनसे पूछा 72,000 क्या? 72,000 रुपए कितने दिन में, कितने लोगों को? मुझे कहते हैं राहुल जी, हिंदुस्तान की सरकार साल के 72,000 रुपए 5 करोड़ परिवारों को दे सकती है। आपको पहले मनरेगा के लिए पैसा मिलता था 100 दिन रोजगार, 2019 के बाद, चुनाव के बाद आपको 150 दिन मिलेगा, मगर आपको न्याय योजना से भी बिना कोई काम किए सीधा आपके बैंक अकाउंट में महीने का 6,000 रुपए, साल का 72,000 रुपए, 5 साल का 360,000 रुपए कांग्रेस पार्टी और मैं आपके बैंक अकाउंट में डालने वाले हैं। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का झूठ बोला, मैं आपको स्टेज से 360,000 रुपए की सच्चाई बता रहा हूं। 25 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ परिवारों को, 5 करोड़ परिवारों को 5 साल के अंदर 360,000 रुपए गारंटी करके मैं बैंक अकाउंट में डालने वाला हूं। अच्छा, यहां बहुत सारे पुरुष आए हैं, महिलाएं भी आई हैं, मुझसे गुस्सा मत होना, जो पुरुष हैं मुझसे गुस्सा मत होना, पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाने वाला है, ऐतिहासिक निर्णय है। किसी भी देश ने अपने हर गरीब व्यक्ति को बैंक अकाउंट में पैसा कभी नहीं दिया है। पहली बार इतिहास में हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालने जा रही है। क्यों डाल रही है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सीधा अनिल अंबानी जैसे चोरों के बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए डाला है। मैं उनके बैंक अकाउंट से, अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर सीधा आपके खाते में डालने जा रहा हूं। कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने बहुत सहा है पिछले 5 सालों ने, 5 सालों में आपने नोटबंदी देखी, आपके जेब में से पैसा निकला, गब्बर सिंह टैक्स लागू हुआ, आपके जेब में से पैसा निकला, पूरा का पूरा पैसा नरेंद्र मोदी चौकीदार ने, अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या के जेब में डाले। भाइयों और बहनों, 70 साल में पहली बार 15 लोग हिंदुस्तान का 1,00,000 करोड़ रुपए चोरी करके भाग गए। किसका पैसा था? आपका पैसा था, हिंदुस्तान के आदिवासियों का पैसा था, कमजोर लोगों का पैसा था, किसानों का, मजदूरों का, छोटे दुकानदारों का पैसा था। उन्होंने 5 साल अन्याय किया, अब मैं 5 साल न्याय करने वाला हूं। नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है, गरीबी को हिंदुस्तान से हम मिटाने वाले हैं। किसान आए हैं, उनसे भी थोड़ा कहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा था कर्जा माफ करेंगे, उन्होंने आपसे कहा था सही दाम दिलवाएंगे, उन्होंने कहा था आपके खेत के पास फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाएंगे, कर दिया काम, मिल गया आपको सही दाम। कर्जा माफ किसने किया आपका? कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया,
यहां पे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा था, मैंने साफ बोला देखिए कुछ भी हो जाए 10 दिन के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा। 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर तीनों सरकारों ने सारे के सारे किसानों का कर्जा माफ करके दिखा दिया। और नरेंद्र मोदी आते हैं कहते हैं पैसा कहां से आएगा, हमने दिखाया पैसा कहां से आएगा। नरेंद्र मोदी सुनना चाहते तो मैं बताता हूं, अनिल अंबानी की जेब से आएगा कॉन्ट्रैक्ट, तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला है आपका पैसा था 45,000 करोड़ रुपए, अनिल अंबानी का कर्जा उसने वापस नहीं दिया है। मगर हिंदुस्तान का किसान अगर 20,000 रुपए का कर्जा वापस नहीं देता है तो उसे जेल में डाल देते हैं। क्या यह आपको सही लगता है कि हिंदुस्तान के अरबपति जितना भी कर्जा लेना चाहे ले ले बैंक से, वापस ना दें और वो जेल ना जाएं, और हिंदुस्तान का किसान आदिवासी 20,000 रुपए ले कर्जा और कर्जा वापस ना दे एकदम वो जेल जाए, क्या आपको ठीक लगता है, न्याय लगता है आपको क्या? हमने निर्णय लिया है, ऐतिहासिक निर्णय, 2019 के चुनाव के एकदम बाद कानून बदला जाएगा। हिंदुस्तान का कोई भी किसान, कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं जा पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के किसान जेल जाएं, तो पहले आप उस चोर अनिल अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या को उनको अंदर करिए, फिर हम हिंदुस्तान के किसानों की बात करेंगे। अगर आप उनको अंदर नहीं करोगे तो हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं जाएगा। यहां पे बहुत सारे आदिवासी युवा हैं, बिजनेस चालू करना चाहते हैं, धंधा करना चाहते हैं। मैं आपके लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेने वाला हूं। जब भी आप बिजनेस चालू करना चाहते हो, धंधा चालू करना चाहते हो, आपको सरकारी डिपार्टमेंट्स में परमिशन लेनी पड़ती है। 5-10 डिपार्टमेंट्स में जाके परमिशन लो, पहले हर डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है भैया मैं बिजनेस चालू करना चाहता हूं मुझे परमिशन दो, एक के बाद एक डिपार्टमेंट में जाते हो। हमने निर्णय ले लिया है 2019 के बाद किसी भी आदिवासी युवा को, किसी भी युवा को, किसी भी राजस्थान के युवा को किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। जाके अपना धंधा चालू करो, आप अपना धंधा चालू करो, काम शुरू करो, युवाओं को रोजगार देना शुरू करो, और 3 साल बाद जब आपका बिजनेस तैयार हो जाएगा, जब आपके लिए 30-40 युवा काम करेंगे, तब आप जाके सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लो। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। यहां कोई है युवा जिसको नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया? कोई एक है यहां पे? एक नहीं है, वो झूठ था। मैं आपको यहां झूठ बोलने नहीं आया हूं। 15 लाख रुपए की बात नहीं करूंगा, 3,60,000 रुपए की बात करूंगा। मगर मैं आपको बताता हूं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करूंगा, मगर सच बता दूंगा। हिंदुस्तान की सरकार के 22 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। एक साल के अंदर 22 लाख युवाओं को हम वो नौकरियां दिलवा देंगे, सरकारी नौकरियां दिलवा देंगे। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। हम 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिलवा देंगे। मगर हम आपसे यहां झूठ नहीं बोलने आए हैं, हम आपसे रिश्ता बनाने आए हैं। नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं झूठ बोलते हैं, जो भी उनके मन में आता है वो बोल जाते हैं। 15 लाख रुपए दूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, किसानों को सही दाम दूंगा, जो भी दिल में आता है वो कह देते हैं। मैं आपसे सिर्फ सच बोलूंगा, और जो आपने यहां सुना, चाहे वो न्याय योजना 72,000 रुपए हो, चाहे वो 22 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो किसान की मदद करने की बात हो,
वो यहां आपको सच सुनाई देगा। आखिरी दो चीजें, किसानों की मैंने बात की, मैंने कहा कि कर्जे के लिए आपको जेल में नहीं डाला जाएगा। एक और बात आपके लिए मैं कहना चाहता हूं जो हम आपके लिए करेंगे। हिंदुस्तान में हर साल बजट पेश किया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हिंदुस्तान का बजट रखा जाता है, कितना पैसा किस चीज में हिंदुस्तान की सरकार डालेगी। हमने किसानों से बात की, किसानों ने हमें कहा कि हमारे लिए भी आप एक अलहदा बजट बनाइए, अलग बजट किसानों का बनना चाहिए। तो हमने निर्णय ले लिया है 2019 में दो बजट बनेंगे, एक नेशनल बजट बनेगा, देश का बजट बनेगा, और दूसरा हिंदुस्तान के हर किसान का आदर करने के लिए स्पेशल किसान बजट बनेगा। उसमें आपको साल की शुरुआत में ही पूरा का पूरा बता दिया जाएगा, एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, कहां कहां फूड प्रोसेसिंग के कारखाने लगेंगे, क्या दाम मिलेगा आपको, मुआवजा कितना मिलेगा, कर्जा माफ होगा तो कितना होगा, पूरा का पूरा आपको साल के शुरुआत में ही पता लग जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जो आपके दिल में डर है वो मिटे, और इसलिए हमने आपसे बात करके, आपसे पूछ करके आपके लिए हम निर्णय लेने जा रहे हैं। आप जानते हो कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, कमजोर लोगों की पार्टी है, हम 15 उद्योगपतियों की पार्टी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने आपके साथ अन्याय किया, मैं आपको स्टेज से गारंटी करके कहता हूं हम आपको न्याय देंगे, आदिवासियों को न्याय देंगे। आपकी जमीन की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, याद रखिए, जमीन अधिकरण बिल हम लाए, पैसा कानून हम लाए, आदिवासी बिल हम लाए, आपका जल, आपकी जमीन, आपके जंगल की रक्षा करने का कानून। नरेंद्र मोदी जी ने आपका जल, आपका जंगल और आपकी जमीन छीनने का काम किया। हम आपकी जमीन, आपका जल और आपके जंगल का रक्षा करेंगे। गर्मी का समय है, आप सब बहुत दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।